एक समय पर थी एक बिल्ली, हाँ दूध पीती छोटी बिल्ली। एक समय पर थी एक बिल्ली, हाँ दूध पीती छोटी बिल्ली। छत के ऊपर रहने वाली भूत से दोस्ती कर ली। छत के ऊपर रहने वाली भूत से दोस्ती कर ली। भूत से दोस्ती कर ली। एक समय पर थी एक बिल्ली, हाँ दूध पीती छोटी बिल्ली। नजर से दूर भूत और वो बिल्ली, बगल की खाटी में जा कर के छुपके खेलने लगी। हाँ छुपके खेलने लगी। सबके नजर से दूर भूत और वो बिल्ली, बगल की खाटी में जा कर के छुपके खेलने लगी। हाँ छुपके खेलने लगी। जंगल से आए सियार चालक, भूत को अपने कब्ज किए, एक बोतल में उसे बंद किए। एक समय पर थी एक बिल्ली, हाँ दूध पीती छोटी बिल्ली। एक समय पर थी एक बिल्ली, हाँ दूध पीती छोटी बिल्ली। छत के ऊपर रहने वाली भूत से दोस्ती कर ली। छत के ऊपर रहने वाली भूत से दोस्ती कर ली। भूत से दोस्ती कर ली। एक समय पर थी एक बिल्ली, हाँ दूध पीती छोटी बिल्ली। बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई मुझे मत मारो। सुनो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊं क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओ क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी।
मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याओ क्रीम जंगलाय नमः, म्याओ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने, अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया, उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद लें। म्याओ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा एक मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस, उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते हैं। स्वामी जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे। इसलिए हर दिन की तरह शत्रु समाहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया, तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए, कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याओ क्रीम जंगलाय नमः, म्याओ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे, आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त हैं। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया, बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला, अब हमें उसे सबक सिखाना होगा।
सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दो चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे के पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। गली बिल्ली, शरारती बिल्ली, दूध मांग कर पीने वाली लालसी बिल्ली, बर्तन पूरे भर दूध पीकर भी पगली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती भी है। पगली बिल्ली, शरारती बिल्ली, दूध मांग कर पीने वाली लालसी बिल्ली। लाकर पूंछ उठाकर बाघ जैसे बिल्ली, धीरे धीरे आती बिल्ली मोटी लवली बिल्ली, मुझे लाकर पूंछ उठाकर बाघ जैसे बिल्ली। बर्तन
वाली बिल्ली, मुंह हिलाकर पूंछ उठाकर बाघ जैसा बिल्ली। धीरे धीरे आती बिल्ली मोटी लवली बिल्ली, मुंह हिलाकर पूंछ उठाकर बाघ जैसा बिल्ली। एक जमाने में किसी गांव में दो बिल्लियां थी, चिक्कू और मिक्कू। वे दोनों नटखट के बड़े राजा थे। अगर मौका मिले तो वे खाने के चीजों चोरी करते थे। ऐसे ही एक दिन चिक्कू और मिक्कू चोरी करने के लिए एक घर में घुस गए। उन दोनों को वहां से एक रोटी मिली। हाथ लगे रोटी से चिक्कू और मिक्कू घर से बाहर निकल गए। उन्होंने रोटी बांटने का फैसला किया और मिक्कू ने उसे बांटा। तभी तो एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा हो गया। बड़े टुकड़े के लिए दोनों ने झगड़ा किया। ये सब देखकर पेड़ के ढाली में एक छोटा बंदर बैठ रहा था। वो नीचे आकर बिल्लियों से कहा, मित्रों, तुम लोगों के बीच की समस्या का हल मैं बताऊंगा। एक बड़ा और एक छोटा, ये मैं तुम दोनों को बराबर करके दे दूंगा। ये तो थोड़ा सा बड़ा है, ये ले लो। ये तो थोड़ा सा बड़ा है, अभी ठीक कर दूंगा। और अब तो फिर भी गलती हुई। इस प्रकार बंदर ने पेट भरकर पूरी रोटी खा ली और पास के पेट में चढ़ गए। लज्जित होकर वे बिल्लियों सिर चुका कर चले गए।